बड़वानी में एमपी यूडीसी टहल कंपनी सीवरेज का कार्य कर रही है। कंपनी की कार्यप्रणाली पर नगरपालिका अध्यक्ष ने सावलिया निशाना लगाया है। उन्होंने कहा कि ठेकेदार ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है। बड़वानी शहर में सीवरेज का कार्य करीब 1.5 वर्ष पूर्व शुरू किया गया था, जो आज तक पूरा नहीं हो पाया है। शहर में जगह जगह गड्ढे और कीचड़ हो गया है, जिससे आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस मामले में जब निर्माण एजेंसी टहल कंपनी के जवाबदार से बात की गई तो उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य के दौरान कई प्रकार की समस्या आ रही है। बड़वानी से अतुल कुमावत की रिपोर्ट। शहर में सीवरेज का काम बंद पड़ा है सर, क्या कारण है सर? कारण यही है कि जो हमारे डिसीजन है, जो डिपार्टमेंट से होने हैं, भोपाल MPUDC से, उन्होंने आज तक फाइनल नहीं किया है। जैसे कि रोड वगैरह बंद है, तो रोड का काम इसलिए नहीं हो सकता, उन्होंने ग्रेड ऑफ कंक्रीट वगैरह फाइनल किया नहीं है, उसके डिसीजंस नहीं हुए हैं क्या होना है प्रॉपरली। दूसरा, पेमेंट्स वगैरह है जो काफ़ी डिले है, यहाँ पे अभी देने वाले हैं ये पेमेंट, बोले दिवाली से पहले पेमेंट हो जाएगी, तो दिवाली के बाद हम काम स्टार्ट कर देंगे। ये सही है, हम काम करना चाहते हैं, हम काम करने के लिए ही यहाँ आए हैं, और कई परेशानियाँ आ जाती हैं, इश्यूज बन जाते हैं। लोकल इश्यूज भी है कि लोग रोड नहीं बनाएंगे तो खोदने नहीं देंगे, वो कहते हैं हम खोदने नहीं देंगे, ये भी प्रॉब्लम आई है। बस यही चीज़ें हैं, काम बंद हो। देखिए, सीवरेज जो है वो MPUDC काम करा रही है और टहल कंपनी का ठेका है, विगत 1.5 वर्ष से काम चल रहा है। और मैंने कई बार कंप्लेन करी कि जितना खोदा है उतना केवल बूझ दो, उसके बाद आगे बढ़ो, परंतु वो किसी की बात सुनते नहीं है, मनमानी करते हैं, जहाँ इच्छा पड़ती है वहाँ खोद देते हैं, किसी से पूछते नहीं है, ना कभी नगर पालिका परिषद से या पार्षदों से या अध्यक्ष से या CMO से या और भी किसी प्रशासन से या किसी से भी नहीं पूछते हैं, मनमानी करते हैं, जहाँ इच्छा पड़ती है वहाँ खोद देते हैं और वैसा का वैसा छोड़ देते हैं। बड़वानी नगर की जनता इतनी परेशान हो रही है गड्ढों के मारे, कीचड़ के मारे, और मिट्टी पूरे नगर में और जहाँ जहाँ खुदा है वहाँ वहाँ मिट्टी फैला दी है, जिससे मिट्टी उड़ती है, धूल मिट्टी उड़ती है और बड़वानी की जनता बीमार हो रही है। यह कंपनी का कहना है पैसा नहीं मिल रहा है, काम हम नहीं कर पाएंगे। पैसा अगर नहीं मिल रहा है ना, तो इतना सारा काम किया, इसका भुगतान नहीं हुआ क्या? अगर भुगतान नहीं हुआ तो शुरू में ही काम बंद कर देना था। अब इन्होंने अगर काम किया है, पूरे पाइप खरीद लिए, क्या पाइपों का भुगतान नहीं हुआ? इतने सारे चेंबर बना दिए, क्या चेंबरों का भुगतान नहीं हुआ? भुगतान बिल्कुल हुआ है, परंतु इनको जो है काम करना नहीं है, परेशान करना है और भ्रष्टाचार करना है केवल, इसलिए इन्होंने काम बंद कर दिया है। भैया क्या होना चाहिए अब? देखिए, मेरा तो MPUDC और मध्य प्रदेश सरकार से और सबसे निवेदन है कि जनता परेशान ना हो, इसके लिए जितना खोद दिया है कम से कम उसको रिपेयर कर दें, बाकी का बात काम चलता रहेगा। 1.5 वर्ष में केवल 10% काम नहीं हुआ है, तो कब काम करेंगे? नगर को खोद रहे हैं, कोई किसी की सुन नहीं रहा है, तो बड़वानी की जनता के लिए ये करें, रिपेयर का काम पहले करें। क्या नाम है जी आपका? लक्ष्मी। कहाँ रहते हो? ये पिछोड़ी की बसावट है। क्या दिक्कत आ रही है तुमको? ये चैम्बर वाले ने गड्ढे खोदे और है ना तो खुले छोड़ दिए, उसमें हमारे जेठ है ना तो गिर गए और उनकी कमर की हड्डी मुड़ गई है, और है ना तो उनको इलाज करने के लिए पैसे मांगे तो उन्होंने चेक बना के दिया और हमको दौड़ाया करते हैं, और अभी तक उनको है ना तो उनका इलाज चल रहा है और अभी तक खटिया में गिरे हैं। पूरा रोड खुदा हुआ है? पूरा रोड खुदा हुआ है और चैम्बर भी नहीं, हल तो खुले हुए हैं, और हमारे बच्चे रोज गिर रहे हैं, सब जगह 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 गड्ढे हैं, और है ना तो रोड भी है ना तो कच्चा है, यानी कीचड़ सब रोड उनमें कीचड़ है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।